हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि साल 2020 कैसा रहेगा। तो 2020 को अगर आप जोड़ो तो 2020 फोर पैड होता है, यानी कि राहु का साल है। तो ये किन के लिए अच्छा रहेगा? ये अच्छा रहेगा 1, 2 और 7 नंबर के लोगों के लिए। 1 नंबर के लोग कौन? जो 1, 10, 19 और 28, यानी कि 1, 10, 19 और 28 को पैदा होते हैं किसी भी महीने की, तो वो 1 नंबर के लोग हैं। 2 नंबर के लोग कौन? जो 2, 11, 20 और 29 को पैदा होते हैं। और 7 नंबर के जो 7, 16 और 25, 7, 16, 25 को पैदा होते हैं, इन लोगों के लिए साल अच्छा रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ लाइफ हो, उनके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 4 के लिए जोकर ईयर है, या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। जोकर ईयर है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मोस्टली 4 नंबर के लिए भी अच्छा ही होगा, पर फिर भी 4 नंबर का कोई भरोसा नहीं, जोकर होता है, तो इसलिए एक आप एहतियात बरत के चलना, ज्यादा रिस्क मत लेना। ये खराब होगा 8 नंबर के लिए, क्योंकि 8 और 4 डिजास्टर होते हैं, मिलकर डिजास्टर करते हैं। तो 4 नंबर का साल है, 8 नंबर के जो लोग हैं, जो 8, 17 और 26 को पैदा होते हैं, उनके लिए साल अच्छा नहीं होगा। तो बिल्कुल वो लोग संभल के रहें, जैसे तैसे इस टाइम को निकालें। ये साल अच्छा होगा कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि वो लोग 2 और 7 से रूल होते हैं। ये साल अच्छा होगा लियो राशि वालों के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि वो लोग 1 और 4 से रूल होते हैं, तो उनके लिए साल अच्छा होगा। टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए भी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं पार्टली वो भी 2 से रूल होता है। कुंभ और मकर राशि के लिए बुरा होगा, यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए साल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 8 नंबर से रूल होता है। खासकर क्या, ये भी 8 नंबर का टाइम चल रहा है, तो फरवरी तक ध्यान रखो, 20 फरवरी तक टाइम अच्छा नहीं है। 20 फरवरी तक बड़ा ध्यान से रहो, कोई नई पार्टनरशिप मत करो, नया काम मत शुरू करो, जैसे जैसे वो टाइम निकालो, लो प्रोफाइल रहो। 20 फरवरी के बाद, यानी कि मार्च के बाद से साल अच्छा है, मार्च के बाद से नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। इस साल के अगर आप लकी कलर्स मुझसे पूछो, तो लकी कलर्स आपको यूज करने हैं साल ब्लू और येलो तो यूज करने हैं। फिर राहु का जो कलर होता है वो स्मोकी ग्रे कलर का होता है, तो स्मोकी ग्रे कलर भी इस साल लकी होगा। सन के जो कलर्स हैं, गोल्डन कलर आप यूज करो, ऑरेंज कलर यूज करो, ठीक है, ग्रे और स्मोकी तो हो ही गए। फिर आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है, ब्लैक कलर आप नीचे पैंट वगैरह में पहनो, जीन्स में पहनो, शूज में पहनो, ऊपर अपर पार्ट ब्लैक मत पहनो, ब्लैक कार या बाइक मत रखो। अच्छा, 2020 पूरा ऐसा मत लिखो, क्योंकि 2020 जब हम लिखेंगे ना, तो 4 पैड होता है, 4 अच्छा नहीं होता है, 8 अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप एफोस्ट्रोफी 20 लिखो, एफोस्ट्रोफी 20 लिखो, पूरा 2020 मत लिखो। जब डेट वगैरह लिखोगे तो 4 नंबर की वाइब्रेशन हमको नहीं देनी, तो आप एफोस्ट्रोफी 20 लिखो। ये साल के नई नई आविष्कार होने वाले हैं, 4 नंबर राहु का है, तो नए नए आविष्कार आते हैं। अनकन्वेंशनल लोग, जो अलग हटके सोचते हैं, वो लोग इस साल बड़ा ग्रो करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, AI और डेवलप हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम और आ जाएगी, तो जो ह्यूमन जॉब्स हैं और चले जाएंगे, तो ह्यूमन जॉब्स कम हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, AI आ जाएगी। अमित शाह नंबर 4 है, 22 नंबर है, मोदी 17 नंबर 8 है, तो अमित शाह और मोदी के लिए साल अच्छा नहीं होगा। खासकर 8 और 4 तो डिजास्टर होते हैं, साल 2020 4 पे आता है, नरेंद्र मोदी नंबर 8 के हैं, तो हो सकता है वो इस साल कोई ऐसी डिसीजन ले लें जो एकदम उनको सीवियर बैकलैश फेस करना पड़े और उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट एकदम प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। 8 और 4 वाला ईयर है ना, तो उनके लिए वो नंबर 8 है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है ये साल, कुछ भी वो डिजास्टर डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी वेदर भी एक्सट्रीम होने वाला है, जहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है वहां ठंड पड़ेगी, जहां गर्मी होती है वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो एक्सट्रीम वेदर होने वाला है। 4 नंबर बागी नंबर है, रेबल नंबर है, नए नए इन्वेंशन, आउट ऑफ द बॉक्स लोग सोचते हैं, तो अलग हटके लोग होते हैं। मैं भी नंबर 4 हूं। ये साल मेडिसिन फील्ड के लिए बड़ा अच्छा है, मेडिसिन फील्ड बहुत ग्रो करेगी, यूनिक नई नई दवाइयां आएंगी, जैसे कि अभी मैं लाया ये स्प्रे, अलग अब दवाइयां अलग अलग टाइप से आएंगी, आयुर्वेदिक स्प्रे, अरे स्प्रे कर लो, जवान के नीचे रखो इसको, 30 सेकंड पी लो उसको, इस टाइप से दवाइयां आ रही है कि लोगों को लेने में आसानी हो, और यूनिक दवाइयां आएंगी इस साल, तो ये आप देखना। 4 नंबर क्या होता है, शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए अच्छा नहीं है, मेहनत के लिए अच्छा है, शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए अच्छा नहीं, तो 2020 में आप ज्यादा शॉर्टकट से पैसे मत कमाना, लॉस हो सकता है, ज्यादा शेयर मार्केट मत करना, गैम्बलिंग मत करना, जुए सट्टे में लॉस हो सकता है, आईपीएल में लॉस होगा बहुत सारे लोगों को, स्पेशली 4 और 8 नंबर के लोगों को, इन लोगों को ये शॉर्टकट तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता, इनको तो जुआ सट्टा, शेयर मार्केट सब करना ही नहीं चाहिए। ये साल किन लोगों के लिए अच्छा है, ये साल कौन सी फील्ड के लिए अच्छा है, कुछ भी अलग हटके हो, अनकन्वेंशनल चीजें हो, नई नई इन्वेंशन हो, उनके लिए अच्छा है, ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनलिटी के लिए अच्छा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अच्छा है, वायरलेस रेडियो, रेडियो मोशन पिक्चर्स, पिक्चर्स और सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है, यूनिक आइडियाज आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, कुछ भी जो अलग हटके है ना, नॉर्मल चीजों से अलग हटके, उसके लिए साल अच्छा है। अच्छा, तो ये तो हुई न्यूमरोलॉजी की बात, ठीक है, आपको जनरल एक बता दिया, लेकिन आप लोग मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को। और एक आपको एक मैं चीज बताता हूँ, जैसे कभी कुछ करने का मन नहीं करता, आदमी का कभी उठाने का सुबह मन नहीं करता, तो एक टेक्निक है, आप 5, 4, 3, 2, 1 गो ऐसा बोलो और वो काम करो, जैसे आप ये बोलो फटाफट अलार्म बंद करो, फिर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलो 5, 4, 3, 2, 1 गो और फटाफट जूते पहन लो, एक बार आपने जूते पहन लिए फिर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करना हो आपका
माइंड को सोचने से पहले आप 5 4 3 2 1 गो बोल दो, उसके बाद वो काम चालू कर दो, फिर जैसे ही आप काम चालू करते हो 2 सेकंड में आपको काम करने में मन लगने लग जाएगा। तो ये अपने माइंड को अपने को बेवकूफ बनाना है, उसको उससे पहले हमें बहाने दे ना कर रहे हम उसको 5 4 3 2 1 गो बोल के उसको उस ट्रैक पे जाएंगे कि हम अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे होमवर्क करना है बच्चों और मन नहीं कर रहा है तो एकदम से वो बोले 5 4 3 2 1 गो और कॉपी पेंसिल लेके चालू हो जाएं। जैसे वो लिखने कर लग जाएंगे 30 सेकंड में उनका मन लगने लग जाए और फिर वो काम कर लेंगे। तो ये एक 5 4 3 2 1 गो मैंने अभी नया टेक्निक सीखा, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। बाकी तो अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, आप चाहे न्यूमरोलॉजी के लिए आपका नाम चेक कराने के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, अपनी कुंडली दिखाने के लिए, यू नो अपनी रेमेडीज जानने के लिए, अपना फ्यूचर जानने के लिए, 2020 साल कैसा होगा, क्या उपाय करने चाहिए, इसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।